हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा की टॉप सेलिंग मिनी एसयूवी टाटा पंच के बारे में। सामने आप जो वेरिएंट देख रहे हैं ये इसका एडवेंचर वेरिएंट है। एक्सोरूम की बात करें 6,64,000 रुपये एक्सोरूम प्राइस है। वहीं बात करें ऑनरोड प्राइस की तो मैं हूँ अभी क्लासिक मोटर्स भिवाड़ी, यहाँ पे इसका एक्सोरूम प्राइस चला जाता है 7,53,000 रुपये। सेकेंड बेस मॉडल है और भाई टाटा पंच एक ऐसी कार है जिसके अंदर सारे फीचर, आपको एक एसयूवी वाला फील, सब कुछ इसके अंदर ही मिल जाता है। अगर इसमें 35,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर देते हो तो इसमें रिदम वेरिएंट आ जाता है, वहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाएगी 7 इंच की और रियर में रियर कैमरा मिल जाता है। आज इस वीडियो में बात करेंगे एडवेंचर वेरियंट में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में, तो गाड़ी का फ्रंट लुक बड़ा ही शानदार सा लगता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका फ्रंट लुक काफ़ी सही सा, मतलब एक एसयूवी का सा पूरा फील आपको टाटा पंच में देखने को मिलेगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जो ये कलर आप देख रहे हैं ये इसका ऑटोमिक ऑरेंज कलर है, तो भाई जो ये कलर है ये भी काफ़ी सही लग रहा है। ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा लग रहा है। बात करें चौड़ाई की तो 1742 mm गाड़ी की चौड़ाई है, तो डेफिनेटली टाटा पंच का रोड प्रेजेंस काफ़ी प्यारा सा लगता है। बात करें फीचर्स के बारे में तो जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको DRLs मिल जाते हैं, लेकिन जो ये DRL आप देख रहे हैं ये हेलोजन में है एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है इंडिकेटर। यहाँ से स्टार्ट होता है पियानो ब्लैक फिनिश और पूरा यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश का लुक देखने को मिलेगा। गाड़ी का फ्रंट लुक बहुत ही प्यारा सा मिल जाता है। एंड बात करें ग्रिल के बारे में तो यहाँ पर आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा। ट्राई एरो का यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, सामने टाटा का लोगो मिल जाता है। क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा कलर है एंड डेफिनेटली जो पंच का लुक है वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है। बात करें ग्रिल के बारे में तो रेडिएटर ग्रिल ब्लैक फिनिश के अंदर मिल जाती है एंड यहाँ पे भी ट्राई एरो का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इस वेरिएंट में फोग लैंप नहीं आता है क्योंकि ये सेकेंड बेस मॉडल है। बहुत ही सही। बात करें गाड़ी के साइड लुक के बारे में तो जितना अमेजिंग गाड़ी का फ्रंट लुक है उतना ही अमेजिंग गाड़ी का साइड लुक आपको मिल जाता है। 187 mm गाड़ी के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 3827 mm गाड़ी की ओवरऑल लेंथ मिल जाती है। एंड बात करें व्हील बेस की, 2445 mm गाड़ी के अंदर आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है। बात करें इसके टायर सेक्शन के बारे में तो यहाँ पे आपको 15 इंच के टायर मिल जाते हैं जिसका प्रोफाइल साइज़ है 185/70R15। यहाँ पर आपको अलॉयज तो नहीं मिलेंगे बट ब्लैक फिनिश के अंदर यहाँ पे आपको व्हील कवर मिल जाता है। आगे डिस्क, वहीं रियर में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। व्हील कवर ब्लैक होने से काफ़ी सही लग रहा है। वहीं टायर के ऊपर आर्चेज मिल जाता है एंड साइड में आपको साइड मोल्डिंग मिल जाती है बड़ी सारी। क्या बात है। बात करें गाड़ी के ORVM के बारे में, बॉडी कलर्ड ORVM है एंड यहाँ पर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ना तो ये ऑटो फोल्डेबल है लेकिन हाँ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ज़रूर मिल जाते हैं। बॉडी कलर्ड डोर हैंडल मिल जाता है, बी पिलर ब्लैकआउट है, वहीं सी पिलर भी आपको ब्लैकआउट मिलता है। रियर पे डोर हैंडल आपको यहाँ पे मिलता है, एक स्पोर्टी सा लुक निकल के आ रहा है इसके साइड से। बात करें फ्यूल टैंक के बारे में, 37 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक मिल जाता है एंड ये है गाड़ी का ओवरऑल रियर लुक। क्या बात है, सही लग रही है भाई गाड़ी। बात करें रियर में फीचर्स के बारे में तो छोटा सा स्पॉइलर मिल जाता है, इसी के इंटीग्रेटेड यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैम्प है, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग मिल जाती है। इस ब्रांड में कोई भी डिफॉगर रियर वाइपर नहीं मिलता एंड यहाँ पर आपको राइनो का बैजिंग मिल जाने वाली है, टाटा का लोगो है, वहीं यहाँ पे आपको पंच की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बात करें गाड़ी के टेल लैंप के बारे में तो यहाँ पे हेलोजन टेल लैंप का सेटअप मिलता है, सही लग रहा है। लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा यहाँ पे आपको हेलोजन का सेटअप मिलता है। यहाँ पे मिल जाते हैं इंडिकेटर एंड जब आप ब्रेक लगाओगे तो ये वाली लाइट ऑन होगी। क्या बात है, सही लग रहा है भाई। पीछे बम्पर आपको ब्लैक फिनिश में मिल जाता है, 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर के, वहीं रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। ब्लैक फिनिश में आपको बम्पर देखने को मिलेगा। चाबी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार की फ्लिप की मिलती है जिस पर आपको लॉक एंड अनलॉक का बटन मिल जाता है सिंपल एंड फॉलो मी हेडलैम्प का बटन यहाँ पे मिल जाएगा। काफ़ी सही से यहाँ पे की मिल जाती है, पीछे टाटा का लोगो मिल जाता है। चेक करते हैं गाड़ी का बूट स्पेस। अगर आप इसका रिदम वेरियंट लोगे तो रियर में आपको रियर कैमरा मिल जाता है, लेकिन इस वेरियंट में आपको रियर कैमरा नहीं मिलता, आपको जस्ट 35,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एक्स रूम पर। बात करें बूट स्पेस की तो काफ़ी सही सा यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है, बूट स्पेस मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, नीचे पंचर किट मिल जाती है एंड रियर में आपको पार्सल ट्रे भी कंपनी ऑफर करती है। बूट के ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है एंड ग्रैब हैंडल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सही भाई, बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली
टाटा की सभी गाड़ियों में बहुत ही प्यारी मिलती है। चलते हैं गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर। तो ये है ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर, ब्लैकआउट टोटल इंटीरियर मिल जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो ऑरेंज लुक है ना भाई, इससे गाड़ी का जो लुक है वो बहुत ही प्रीमियम सा निकल के आ रहा है, बहुत ही सही सा इंटीरियर मिल जाता है। एंड बात करें डोर ओपनिंग की, तो टाटा की सभी गाड़ियों में ऑलमोस्ट 90 डिग्री में डोर ओपन होते हैं, तो भाई आप देख सकते हैं कितना वाइड ओपन हो रहा है यार। आपसे कितनी हेल्दी पर्सन हो, आराम से एंट्री ले लोगे। डोर ट्रिम के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलता है, कहीं पे भी सॉफ्ट टच का यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। डोर ट्रिम के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑल फोर पावर विंडो के बटन से मिल जाते हैं, ओवर व्यू एडजस्ट करने का बटन है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर डोर हैंडल मिल जाता है, स्पीकर की प्लेसमेंट है एंड यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर की भी प्लेसमेंट मिलती है। क्या बात है, स्पीकर की प्लेसमेंट है पूरी गाड़ी के अंदर, आपको चार स्पीकर मिल जाते हैं। वहीं अगर आप इसका विदम वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पे भी आपको चार स्पीकर ही मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ फीचर्स वहाँ पे आपको एड ऑन मिल जाते हैं। सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, लेकिन डेफिनेटली सीट की क्वालिटी काफ़ी सही है, चौड़ी सीट है, बैठने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ये सीट है ये आपको रिक्लाइन एंगल पे एडजस्ट तो मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। आगे वाली सीट पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, वहीं पीछे आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं। और डेफिनेटली गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये बहुत ही प्रीमियम से लग रहा है भाई, जो ये ऑरेंज वाले एलिमेंट है ना, इससे गाड़ी का लुक और भी ज़्यादा शानदार सा निकल के आ रहा है। चलते हैं गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं ओवरऑल डैशबोर्ड, बहुत ही प्यारी भाई, लुक्स में बड़ा ही सिंपल लग रहा है इसका डैशबोर्ड, और कहीं पर भी आपको चीप क्वालिटी चीप मटेरियल फील नहीं होगा। करते हैं गाड़ी का इग्निशन स्टार्ट, तो यहाँ पे आपको की लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, कोई भी यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलेगा। तो ये है इसका ओवरऑल क्लस्टर, क्या बात है, बहुत ही सही क्लस्टर मिल जाता है। म्यूजिक को करते हैं बंद और आपको दिखाता हूँ फाइनली इसका क्लस्टर। तो यहाँ पे आपको फुली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, स्पीडोमीटर टैकोमीटर दोनों मिल जाते हैं, 220 की स्पीड, बाकी 8000 RPM यहाँ पे दिख रहा होगा, छोटी सी MID मिल जाती है जिसके अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। क्या बात है, यहाँ पे आपको कुछ बटन्स मिल जाते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी फ्यूल इकोनॉमी माइलेज क्लॉक मिल जाती है यहाँ पे आपको, तो सारे फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। बात करें स्टीयरिंग के बारे में तो यहाँ पे डी कट स्टीयरिंग मिल जाती है, स्टीयरिंग की क्वालिटी काफ़ी सही है। इस पूरी गाड़ी के अंदर आपको दो एयरबैग मिल जाते हैं फ्रंट में ही। स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर देखने को मिलेंगे, बाकी टेलीफोनिक बटन्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। डेफिनेटली स्टीयरिंग काफ़ी सही है। एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट ही मिलता है, टेलीस्कोपी का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। स्टॉक्स मिल जाते हैं वाइपर के एंड हेडलाइट के स्टॉक्स है, सिंपल। पंच का डैशबोर्ड बड़ा ही प्रीमियम सी क्वालिटी का मिल जाता है। अगर बात करें गाड़ी के सेंट्रल कंसोल के बारे में तो पूरा यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, कहीं पे भी सॉफ्ट टच का यूज़ नहीं किया गया, लेकिन जो क्वालिटी है मटेरियल है वो भाई डेफिनेटली बहुत ही प्रीमियम सी क्वालिटी का मिलेगा आपको। बात करें गाड़ी के सेंट्रल कंसोल के बारे में तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा भाई, सिंगल डिन का इंफोटेनमेंट, छोटा सा है लेकिन फ्लोटिंग टाइप है, काफ़ी सही लग रहा है। FM ब्लूटूथ दैट्स इट, इतना ही यहाँ पे आप चला पाएंगे। इसी इवेंट के चारों ओर आपको ऑरेंज फिनिश देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। हज़ार लाइट का बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको कुछ अलग प्रकार का सा टेक्सचर मिलेगा, इनके ऊपर आपको ट्राई एरो का डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी सही लग रहा है। बात करें बीच में तो यहाँ पे आपको मैनुअल AC वेंट मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्या बात है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम के बटन मिल जाते हैं, सिंपल। AC यहाँ पे आपको जैसे मैंने पहले बताया मैनुअल मिलता है, लेकिन बटन की क्वालिटी काफ़ी सही है। एंड यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, USB पोर्ट है एंड AUX पोर्ट है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। एंड बात करें ट्रांसमिशन के बारे में तो ये कार आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिल जाती है, यहाँ पे भी ऑरेंज फिनिश का यूज़ किया गया है। बात करें ग्लोव बॉक्स के बारे में तो डिसेंट साइज़ का ग्लोव बॉक्स मिल जाता है जो कि नॉर्मल है, ओल्ड का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। IRVM के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैनुअल IRVM है, सनसेट के साथ यहाँ पे टिकट होल्डर है एंड को पैसेंजर साइड में वैनिटी मिरर मिल जाता है जो कि बहुत छोटा सा है। बटन यहाँ पे मिल जाती है, केबिन लैंप जो कि सिंगल सा छोटा सा है एंड यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट मिल जाता है, तो बेसिक से फीचर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इस साइड की बात करें तो आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको मोड के बटन मिल जाते हैं, इको एंड सिटी मोड,
तो दो मोड यहाँ पे आपको कंपनी ऑफर कर रही है। डेफिनेटली इन मोड से काफ़ी फर्क पड़ता है गाड़ी की ड्राइविंग के ऊपर। पिलर्स जो हैं वो काफ़ी हैवी से हैं, तो इसलिए आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी सही है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है एंड यहाँ पे आपको टू कप होल्डर ज़रूर मिल जाता है। सेंटर में आपको कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। डेफिनेटली जो सीट है ना, इसका लुक बड़ा ही शानदार है, आपको बैठने में बड़ी ही प्यारी लगेगी। स्पेस काफ़ी अच्छा है भाई, अगर आपके पास 6 से 7 लाख का बजट है ना, तो डेफिनेटली आप इस कार को कंसीडर कर सकते हैं। ज़बरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस है एंड ग्लोबल एनकेप के अंदर इसको 5 स्टार की रेटिंग भी मिली हुई, तो भाई पूरी तरीके से गाड़ी आपको सेफ फील करवाएगी। रूफ़ के ऊपर नॉर्मल एंटीना मिल जाता है एंड चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पे। तो यहाँ से होगा ओपन, स्पोर्टी सा लुक आ जाता है इस डोर हैंडल से, क्या बात है। बात करें डोर ट्रिम की, तो पीछे वाला डोर भी एज यूजुअल काफ़ी बड़ा ओपन होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एंट्री एग्जिट लेने में। यहाँ पे ऑल फोर पावर विंडो का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर डोर हैंडल है, स्पीकर की प्लेसमेंट है एंड बोतल होल्डर है। इस वेरिएंट में भी 4 स्पीकर आपको कंपनी ऑफर करती है। सीट के बारे में बात करें तो सीट एज यूजुअल यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। सेंटर में आपको कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन सीट पर बैठ के देखते हैं सीट की क्वालिटी कैसी है। तो भाई काफ़ी सही लग रही है यार। आगे वाली जो सीट है ये पूरी तरीके से पीछे है, लेकिन फिर भी भाई लेग रूम मुझे काफ़ी सही लग रहा है। बीच में हम भाई बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए 3 बंदे बैठ जाएंगे। बाहर से दिखने में ये कार जितनी छोटी लगती है ना भाई, अंदर उतनी ही बड़ी है। अंदर काफ़ी स्पेशियस सा फील होता है भाई। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, इसके केबिन में 3 पर्सन आराम से पीछे बैठ जाएंगे, 2 पर्सन आगे बैठ जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ड्राइविंग है और छोटी सी कार है भाई, कहीं से भी इस कार को निकाल लो और पीछे से इसका कुछ डैशबोर्ड ऐसा नज़र आता है, बहुत ही प्रीमियम सा लग रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो ये ऑरेंज एलिमेंट है ना भाई, इससे गाड़ी का लुक बड़ा ही प्यारा निकल के आ रहा है, क्या बात है। फाइनली बात करें गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसके अंदर 1.2 लीटर रेवेट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 84 PS ऑफ पावर वहीं 113 NM ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। डेफिनेटली यहाँ पे माइलेज भी काफ़ी सही मिल जाती है एंड बोनेट के ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है, तो कि ताकि कोई भी वाइब्रेशन नॉइस गाड़ी के अंदर तक ना आए। इंजन की क्वालिटी काफ़ी सही है, चलने में गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, ओवरऑल आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस फील होगा टाटा पंच के साथ। फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं, अगर आप डिज़ायर वगैरह देख रहे हैं तो भाई आप ज़रूर एक बार इस कार को कंसीडर कर सकते हैं। हायर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही मिल जाती है, इंटीरियर इसका जो है वो काफ़ी प्रीमियम सा यहाँ पे मिल जाता है। 6 से 7 लाख का बजट अगर आपका बन रहा है, तो डेफिनेटली आप इस कार को कंसीडर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।